उत्तर प्रदेश के आगरा के जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में विवादपस्त स्थिति पैदा हो गई जब एससी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रमाशंकर कठारिया की पत्नी मृदुला कठारिया ने जिला पंचायत सदस्य के गाल पर तमाचा जड़ दिया। दरअसल ये मामला कल दोपहर का बताया जाता है। आपको बता दें कि कल दोपहर को आगरा के जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में कार्यालय शुद्धिकरण के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष रागेल बघेल ने हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा था, जिसको लेकर सभी जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के संगठन मंत्री भवानी सिंह, एससी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर राम सिंह रामशंकर कठारिया सहित बीजेपी के कई दिग्गजों को आमंत्रित किया गया था। इस आमंत्रण में प्रोफेसर रामाशंकर कठारिया की पत्नी मृदुला कठारिया भी पहुंची थी। मृदुला कठारिया का जिला पंचायत सदस्य रवि धाकरे से विवाद हो गया और विवाद के बाद मृदुला कठारिया ने रवि धाकरे यानी जिला पंचायत सदस्य के गाल पर तमाचा जड़ दिया। जी हां, हम आपको बता दें कि गाल पर तमाचा जड़ दिया। उसके बाद मृदुला कठारिया की सुरक्षा में लगे अन्य लोगों ने जिला पंचायत सदस्य की बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस सत्ता के दबाव में नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर रकाबगंज से जब कुछ जानने की कोशिश की गई तो इंस्पेक्टर ने ये माना कि जिला पंचायत सदस्य रवि धाकरे को हिरासत में लिया गया है, मगर सत्ता के दबाव में आए इंस्पेक्टर रकाबगंज ने घटना की जानकारी न जताते हुए पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद एसडीएम श्यामलता आनंद से भी बात की गई। श्यामलता आनंद यानी प्रशासनिक अधिकारी ने भी इस पूरी घटना पर बयान देने से इनकार कर दिया और घटना की जानकारी न होते हुए की पल्ला झाड़ लिया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में 100 से 150 लोग मौजूद थे। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का भी जमावड़ था। हर एक जिला पंचायत सदस्य वहां मौजूद था। सभी लोगों ने घटना को अपनी आंखों से देखा था, मगर सत्ता के दबाव में आगे कोई कुछ भी बोलने को राजी नहीं था। सवाल यह है कि जब किसी के गाल पर चांटा पड़े तो फिर पुलिस बिना तहरीर लिए उसे अवैध हिरासत में कैसे रख सकती है, जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पर गुंडागर्दी और तानाशाही का आरोप लगा रहा है। आप इस क्षेत्र के कोतवाल हैं, एक घटना हो जाती है, जिला पंचायत सदस्य को आपने हिरासत में लिया, उस पर आरोप? मैंने कहाँ लिया? थाने में बैठा है, पुलिस ले गई है। आखिर किस आरोप में वो बैठा है? वो आप इंस्पेक्टर हैं, आपको इतनी मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? आपने जो जिला पंचायत सदस्य को हिरासत में लिया, उस पर आरोप क्या? अब जब कोई तहरीर देगा तब तो बताऊं क्या आरोप है। तो बिना तहरीर के क्या कानून ऐसा है कि बिना तहरीर के हिरासत में जिला पंचायत सदस्य को ले सकते हैं? हमने तो हिरासत में नहीं लिया। नहीं, पुलिस आपकी ले गई है ना थाने की? बैठा कौन? नहीं तो थाने की हिरासत में नहीं है वो। आपके कहाँ ले गए हैं? थाने पर बैठा हुआ वीडियो है, क्या हिरासत में है कि नहीं है? तो थाने में बैठा है, हिरासत में कहाँ है बैठा है? दावत है क्यों? आप दावत करते हैं क्या किसी को? ऐसी बात करते हो? आपने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या किया है? मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं यहाँ। अच्छा, घटना हुई है? घटना हुई या नहीं हुई? कहे की यहाँ कुछ घटना हुई है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या घटना है आपको मालूम? ये मुझे जानकारी भी नहीं हुई है। ठीक है, नहीं मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। मैं तो यहाँ पे इनके प्रोग्राम में आई हुई थी। मुझे नहीं जानकारी है। चलो, घटना हुई या नहीं हुई? मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ प्रोग्राम में आई थी शामिल होने के लिए। मैं तो जो मैडम को प्रोटोकॉल के लिए बिठा। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट।